गुड मॉर्निंग टू ऑल। लेकर फूलों की बहार आया बसंत का त्योहार। आओ हम सब मिलकर मनाएं ये त्योहार, भरकर दिल में उमंग और प्यार। Yes, definitely, we are celebrating Basant Panchami. Let's have fun and joy together. But before starting an event, let's pray to God Almighty. Positive thoughts have a great impact in our life. Now, I would like to call Ruhi from class first for a beautiful thought. Om Shanta Mata Ishwari, Maini Tu Sumiru Tohi, Hati Jod Arji Garu, Vidya Vardhi Mohi, Arthat, शारदा माता, मैं आपसे उधार चाहती, विनती करती हूँ, आप मुझे विद्या का वर दो। To describe the importance of Basant Panchami, I would like to call Ananya from class 4. Good morning everyone, my name is Ananya Solanki from 4C. I will tell you about Basant Panchami. Basant Panchami is the festival of Hinduism. We worship goddess Saraswati on this day. Ma Saraswati is the goddess of knowledge. The festival of Basant Panchami is celebrated on her birthday. On this day, people visit Saraswati temples or worship Saraswati in their home. Thank you. बसंत ऋतु सब ऋतुओं का राजा है। रंग बिरंगे फूल खेतों में सुनहरे रंग के वस्त्र धारण किए अलौकिक छटा बिखेरते हैं। इस तरह सौंदर्य की छटा अपनी कविता के माध्यम से बिखेरने आ रही है कक्षा पहली की रिद्धिमा। Now, Keshav, Sharanya, Bhanu and Karte are going to play a skit. सभी को नमस्कार। वसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए माघ के महीने में एक बड़ा जश्न मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता सरस्वती की पूजा होती है, इसे बसंत पंचमी कहते हैं। आज हम इस छोटे से नाटक के माध्यम से माता सरस्वती की गाथा जानेंगे, तो चलिए आपको लिए चलते हैं। एक बार की बात है, भानु और कार्तिक नाम के दो भाई अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहते थे। कोरोना काल के तहत उन दोनों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। दोनों भाई ऑनलाइन क्लासेस से बहुत परेशान थे। भानु, मैं तो दम आ गया हूँ इन ऑनलाइन क्लासेस से। बिल्कुल सही कहा कार्तिक, मेरा तो कभी कभी मन करता है कि ये स्कूल होता ही नहीं, बच्चे खेलते और खाते, ना किताबों का कोई बोझ, ना अच्छे नंबर लाने की टेंशन, क्या जीवन होता ऐसा। उनकी माँ ने उन दोनों की यह बातें सुन ली। बच्चों, क्या तुम दोनों को बसंत पंचमी की कथा पता है? अच्छा, तो आज मैं माता सरस्वती की कहानी सुनाती हूँ, जिससे तुम्हें
शिक्षा का महत्व पता चलेगा। बहुत साल पहले सृष्टि की स्थापना हुई, तब विष्णु जी ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से मानव रचना की। ब्रह्मा जी अपनी इस रचना से संतुष्ट नहीं थे, तब ब्रह्मा जी ने विष्णु जी की आज्ञा से अपने कमंडल से पूरी सृष्टि पर जल छिड़क दिया। पूरी धरती पर कंपन होने लगता है। तब उससे एक बहुत सुंदर चतुर्भुजी देवी प्रकट हुई, जिनके एक हाथ में वीणा और दूसरा हाथ वरुण मुद्रा में था। वही अन्य दोनों हाथ में पुस्तक और माला थी। जब इस देवी ने वीणा का नाद किया, तो संसार के सभी जीव जंतुओं को वाणी मिली, जिसे सुनकर ब्रह्मा जी ने वाणी देवी को सरस्वती कहा। सरस्वती जी को भारती, राधा, भगवती आदि नामों से भी पुकारा जाता है। संगीत की उत्पत्ति के कारण इन्हें संगीत देवी भी कहा जाता है। पंचमी के दिन सरस्वती माँ का जन्म दिवस मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार कृष्ण जी ने सरस्वती माँ को खुश होकर वरदान दिया कि बसंत पंचमी के दिन उनकी भी पूजा की जाएगी, जिस कारण पूजा की देवी सरस्वती माँ की पूजा की जाती है। महात्मा की पंचमी उनके राजा बसंत का आगमन होता है, इसीलिए इसे बसंत का प्रथम दिन माना जाता है। माँ, आज से मैं ऑनलाइन क्लासेस पर पूरा ध्यान दूंगा। हाँ माँ, आज से मैं भी मन लगाकर पढ़ाई करूँगा। आज मेरे बच्चे, दोनों ने देखा क्या और शिक्षा पर मानव जाति पर कितना बड़ा वरदान है। Is one of the greatest forms of expressing one's feeling. So here comes Vidyanshi of class 3rd with a beautiful dance performance. फुलवारी लगती सबसे न्यारी, आसमान में चमके जैसे